हाँ, आतप ये प्रकृति है, नाम कर्म की ऐसी प्रकृति। आतप नाम कर्म और अग्नि की उष्णता, इसमें क्या अंतर है? हमने पहले देखा था कि अग्निकायिक जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होता ही नहीं, क्योंकि अग्निकायिक में वो अतिशय अप्रशस्त ऐसे कर्मों का उदय उनके होता है। तो आतप नाम कर्म का उदय मात्र सूर्य बिंब के पृथ्वी का एक पर्याप्त वो जीव है उन्हीं के होता है, उष्णता सहित प्रभाव उनके होती है। तो अग्नि में भी इतनी उष्णता होती है तो उनका जो शरीर है, तो शरीर का जो स्पर्श नाम कर्म के उदय में जो उसका स्पर्श है वो गर्म यानी अतिशय उष्ण ऐसा स्पर्श वहाँ चल रहा है। उनके वो स्पर्श नाम कर्म की पर्याय है, आतप नाम कर्म के कारण वो नहीं है। हाँ, वो होने दो, परंतु वो उसका कार्य नहीं, वो वर्ण में आ जाएगा। प्रभा यानी उसकी जो तेज, उसका जो हम कहते हैं प्रकाश, प्रकाश है, परंतु वो उस नाम कर्म का काम नहीं है, आतप का काम नहीं है। भले हम अग्नि का भी प्रकाश देखते हैं परंतु वो आतप नाम कर्म का कार्य नहीं है। कोई प्रश्न है? और फंक्शन एक जैसा है, परंतु एक नहीं कहेंगे हम उसको, एक जैसा है, एक तो नहीं है।